टेस्ट के संग हेल्थ अगर मिल जाए तो क्या बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनीवन कैन कुक विथ रीता। आज मैं कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और फाइबर से लोडेड एक होलसम चटपटा स्प्राउट चाट की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। आइए देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमने ली है 1 कप होल मूंग, 1 कप होल देसी चना। इसे हमने रात भर भिगो के रख दिया था। अब इससे हमें स्प्राउट बनाना है। अब इसको हम एक कपड़े में अलग अलग से छान लेंगे और इसको कपड़े में लपेट के 24 घंटे के लिए रख देंगे। स्प्राउट बनने के बाद हमें इन्हें एक साथ यूज़ नहीं करना है। इसे हम फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे रखे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें से स्प्राउट निकल चुके हैं। अब हम इनसे चाट बनाएंगे। चाट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप स्प्राउटेड चना, 1 कप स्प्राउटेड मूंग, 1 कप प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटे हुए, 1 बॉयल्ड आलू छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए, 1 खीरा बारीक कटा हुआ, हरा धनिया, 1/2 अनार के दाने, बारीक सेव, काला नमक, 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, सादा नमक, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर, 3 से 4 चम्मच भुना हुआ मूंगफली। इसके अलावा हमें चाहिए मीठी इमली की चटनी और दही पुदीने की चटनी। हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसमें हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। आज हमें अगर आपको नहीं करना दोनों चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे स्प्राउटेड चना। अब इसमें जाएगा स्प्राउटेड मूंग। अब इसमें डालेंगे खीरा बारीक कटा हुआ, अब छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए बॉयल्ड आलू, अब बारीक कटा हुआ प्याज, अब डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। हमने टमाटर के बीज निकाल दिए हैं। अब अनारदाना, अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, अब रोस्टेड मूंगफली इसमें डालेंगे। ये हमारे चाट को बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट देने वाला है। अब इसमें हमें सारे मसाले मिलाने हैं। पहले हम डालेंगे काला नमक, इसे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। अब इसमें चॉप्ड हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें सादा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, क्योंकि हम चाट बना रहे हैं तो चाट मसाला तो ज़रूरी है। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चाट मसाला डालेंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हमारा स्प्राउट चाट रेडी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। इसी टाइम हम इसमें दही पुदीने की चटनी डालेंगे। अब इसमें इमली की चटनी भी डाल देंगे। इससे हमारा चाट बहुत ही चटपटा बनेगा। अब इसको ऊपर से बारीक सेव डाल के इसको सर्व करेंगे। हमारा चाट बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार बनाएंगे तो डेली बना के खाना पसंद करेंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे हर एक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।